स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फेसबुक का एक लिंक होगा ग्लोबल आईटीआई यूथ के नाम से, इसको फॉलो कीजिए और लाइक कर लीजिए। यहाँ पर भी हमने वीडियोज़ अपडेट सब कुछ पोस्ट करना शुरू कर दिया है। पहले हम लोग फेसबुक पर एक्टिव नहीं थे, लेकिन समय के साथ चलना ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी फेसबुक यूज करते होंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कई बार यूट्यूब पर आप लोगों से मिस हो जाती है। दिन भर में क्या है, फेसबुक एक दो बार स्लाइड करेंगे तो जो भी ऐसा कोई अर्जेंट पोस्ट होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाया करेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इस पर भी आप लोगों को बोला जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, दोस्तों को इन्वाइट कीजिए, इन्वाइट का ऑप्शन आता है, ठीक है। और इस पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग हमसे ट्विटर पर भी जुड़े हैं, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर तो जुड़े ही हैं। जो लोग ट्विटर से बाकी रह गए हैं वो भी जुड़ जाएं। और आज मैं नेशनल अप्रेंटिस मेला के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि काफ़ी बल्क है, मतलब कि पूरे भारत में एक साथ ये मेला लग रहा है। और इसकी जानकारी हमने हिंदी में उपलब्ध करा दिया है ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर। जिसको नहीं पता है ये वेबसाइट, तो इसका मतलब आप हमारी वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं। हम लोग लगातार पिछले लगभग एक सालों से वेबसाइट का जिक्र करते रहते हैं कि यहाँ पर आपको कोर्सेज मिलते हैं, उसके अलावा सरकारी नौकरी का भी हम लोग टैब लाए थे। आपको ये वेबसाइट ओपन करना है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। सरकारी नौकरी पर क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से आएगा नेशनल अप्रेंटिस मेला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके अलावा देखिए, छत्तीसगढ़ में भर्ती आई थी लाइनमैन की, या IOCL में अप्रेंटिस की आई हो, या DFCCIL में भर्ती आई हो, सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर हिंदी में देते हैं। और सिर्फ आईटीआई के लिए मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर दूसरा कुछ भी हम खिचड़ी नहीं पकाते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, नेशनल अप्रेंटिस मेला पेज इस तरह से ओपन होगा। और ये जो मेला है पूरे भारत में 4 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज हो रहा है। और ये आपका कौशल विकास या आपकी जो मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट, DGT के अंतर्गत ही कह सकते हैं, DGT इसी के अंतर्गत चलती है। तो ये 4 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और काफ़ी इसको प्रमोट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इनका लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई कैंडिडेट को अप्रेंटिस करने का मौका मिले। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, नेशनल अप्रेंटिस का जो लिंक मैंने इस ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर दे रखा है, तो पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कौशल विकास विभाग द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए अप्रेंटिस मेला का आयोजन किया गया है। इसमें काफ़ी गवर्नमेंट सरकारी कंपनियां भी इसमें भाग लेंगी और आईटीआई स्टूडेंट्स का चयन करेंगी। और आप क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, या कौन कौन से सेंटर हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, जैसे ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर अप्रेंटिस करने में आप इच्छुक हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट द्वारा क्या क्या लेकर जाना है, इसे भी हमने इसी वेबसाइट पर हिंदी में लिख दिया है। सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर apprenticeshipindia.org वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपका वही रजिस्ट्रेशन काम आएगा। तो आपको अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड याद होना चाहिए। इस पर भी देखिए लिखा हुआ आ रहा है अप्रेंटिस मेला 4 अक्टूबर 2021, ठीक है। तो ये वेबसाइट अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखे हैं तो यहाँ राइट साइड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर कैंडिडेट में आपको जाना है और अपनी डिटेल्स, यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल्स, आधार कार्ड, आईटीआई की डिटेल्स, ये सब भरना होगा। एक जैसे नॉर्मल फॉर्म भरा जाता है उसी तरह से यहाँ फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपका आईडी जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो वो ज़रूरी है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले इस पोर्टल पर जाइए, निर्देश पढ़िए और अपना पंजीकरण करिए, मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यही लिंक है यहाँ पर सबसे कोने में, ठीक है। और इंस्ट्रक्शनल वीडियो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो कैंडिडेट वाले ऑप्शन में जाइए, तो यहाँ पर दिखाया गया कि प्रोफाइल कंप्लीट हुई कैसे, क्या क्या कहाँ पर कैसे है, सब कुछ यहाँ पर देखिए आपको देखने को वीडियो के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने वीडियो बना रखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा, ये कह रहे हैं कि देश भर में 342 अप्रेंटिस केंद्र बनाए गए हैं, सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर की लिस्ट आप कैसे दे सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भारत का जो मैप बना हुआ है इंडिया का, ये सभी जगहों पर जहाँ जहाँ ये दिखा रहे हैं ना, इन सभी जगहों पर आप अप्रेंटिस का मेला लग रहा है। जैसे आप जिस प्रदेश में हैं उस प्रदेश पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से जगह पर अप्रेंटिस मेला है, ठीक
ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा। उसके अलावा बता दूं कि मेला के दिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने नज़दीकी सेंटर पर जाना है जो आपके घर के सबसे नज़दीक हो। क्या क्या लेकर जाना है? ITI पास सर्टिफिकेट लेकर जाना है, हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक दो तीन ले लीजिएगा, कुछ ऐसा लिखा नहीं है। पहचान प्रमाण पत्र, जैसे कि आधार कार्ड ले सकते हैं आप, जाति प्रमाण पत्र, इस तरह के अन्य दस्तावेज जो भी होते हैं एक नॉर्मल वैकेंसीज या अप्रेंटिस के लिए, वो आप लेकर जाएंगे। और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाइए, हो सकता है इसमें अच्छी सरकारी नौकरी कह रहा हूँ, सरकारी विभागों में अप्रेंटिस का मौका मिल सकता है। तो जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ पर अप्रेंटिस करने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप खाली समय आपका जा रहा है तो अप्रेंटिस जरूर कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ हमने एक्स्ट्रा लिंक दे रखे हैं, जैसे आप यहाँ से फेसबुक पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं, हमारे ट्विटर पेज पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जा सकते हैं। चलिए, तो हमारी बात होगी। अब आते हैं सेंटर कैसे आप सर्च करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होगी। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश पर, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। अगर आप किस जिले के हैं, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लेना है, जो जो नाम यहाँ पर है उन जिलों में जो है अप्रेंटिस मेला लग रहा है। अब जैसे अगर आप इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद का नाम आप प्रयागराज हो गया है, पता नहीं स्टेशन का नाम हुआ था, स्टेशन का नाम तो ऑलरेडी है, फिलहाल इलाहाबाद को ही प्रयागराज किया गया है। तो इलाहाबाद पर आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि भाई अप्रेंटिस किस किस में है, आर्मी, BHEL, उसके बाद HAL, ये क्या है आपके, ये सरकारी कंपनी, सरकारी सरकारी संस्थान है। आर्मी गवर्नमेंट की बात हो गई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड शायद भेल यही होता है या कुछ और होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, भेल हो गया। उसके बाद ये, अब ये मेडिकल कॉन्टेज मेडिकल जो भी हो, उसके बाद HAL है, ये भी गवर्नमेंट संस्थान है, रेलवे भी गवर्नमेंट है, टाटा मोटर्स काफ़ी बड़ी कंपनी है, UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन है, ये आर्मी बेस है, आर्मी बेस भी सरकारी है, BHEL है। इस तरह से देखिए अलग अलग संस्थान में UPPCL, यहाँ पर आपका ट्रेड लिखा है, कितनी सीटों की संख्या है, फिटर में यहाँ पर 459 है, देख रहे हैं, वेल्डर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भेल में है 68 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का है यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन की 100 सीट है आर्मी बेस में 508 नंबर में। इसी तरह से देखिए सभी जगहों पर इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर 100 है, वैकेंसीज की संख्या दे रखा है। तो आपको यहाँ पर जाना है, सोच लीजिए इस तरह से पूरे भारत में अगर टोटल जोड़ा जाएगा तो कई हज़ार अप्रेंटिस का मौका है ना, ये वैकेंसीज की संख्या दे रखा है। और ये घट बढ़ भी सकती है, हो सकता हो कुछ जगहों पे अभी कम दिखा रही हो तो वो उसे अपडेट करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि आप अपने नज़दीकी सेंटर पर जाइए, आपके जो भी आपके नज़दीक पड़ता है, आप इलाहाबाद में हैं तो इलाहाबाद के जो सेंटर होगा, यानी कि गवर्नमेंट ITI ही सेंटर होगी आपकी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी और जगह के ले लेते हैं, नीचे आ जाइए, सबसे वाराणसी ले लेते हैं, आप अपना भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वाराणसी में देखिए क्या लिखा हुआ है, अलग अलग ट्रेड का लिखा हुआ है, सीटों की संख्या हालांकि यहाँ पर थोड़ी कम है लेकिन सभी ट्रेडों में कुछ न कुछ सीट है। और कहाँ पर, ये देखिए आपका ये कंपनीज का नाम है, ये फ़ोन नंबर है कोऑर्डिनेटर्स के, प्लेसमेंट वहाँ पर जो गवर्नमेंट एडवाइज़र लोग हैं उनका है, और जो ये सेंटर्स वाराणसी लिखा है ना, तो ये अप्रेंटिस मेला सेंटर गवर्नमेंट ITIs होंगी। आप अपने ज़िले के गवर्नमेंट ITI पर कांटेक्ट कर लीजिए 4 अक्टूबर से पहले जाकर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर पूछ लीजिएगा कि सर अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं या सिर्फ पास आउट वाले भर सकते हैं, या जिनकी मार्कशीट नहीं आई है तो इंटरनेट वाली मार्कशीट काम कर जाएगी कि नहीं। तो ऐसे जितने भी अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज होंगी तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि आप गवर्नमेंट ITI आपके ज़िले की जो है वहाँ चले जाइए, ये काफ़ी अच्छा मौका है। सरकार खुद बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज के लिए ऑर्गेनाइज कर रही है अप्रेंटिस का मौका, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसको जाने देना चाहिए हाथ से। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, जो लोग पास आउट हैं वो तो 100% अप्लाई कीजिए, अपियरिंग वाले अपने ज़िले की गवर्नमेंट ITI से एक बार कंफर्म कर लेंगे कि आप अपियरिंग को भी वो ले रहे हैं, क्योंकि एक लेटर जो था परीक्षा 4 तारीख को जो कैंसिल किए थे, 4 अक्टूबर का बैक पेपर, तो उसमें वो कहे थे कि अपियरिंग वाले बच्चे भी इसमें वो कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, इसलिए परीक्षा को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो इसके देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है कुछ जगह पर अपियरिंग बच्चों को भी लिया जाए, लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। इस वीडियो में इतना ही, लास्ट में फिर से कहूँगा कि
फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट जरूर करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे अप्रेंटिस की तलाश में रहते हैं, खास करके गवर्नमेंट अप्रेंटिस की तलाश में ज़्यादा रहते हैं या अच्छी कंपनीज के, तो ये मौका आपके पास है। 4 अक्टूबर 2021 दिन याद होना चाहिए आपको, दिन सोमवार सुबह 9 से 5 बजे के बीच ये नेशनल अप्रेंटिस मेरा लग रहा है। सेंटर कैसे सर्च करना है वो हमने आपको बता दिया। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।